हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लीनियर एक्सप्रेशंस। तो कल मैंने स्टेप्स बताए थे कैसे स्टार्ट करते हैं, तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, उसके बाद आई विल टेक इलस्ट्रेशंस। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, लेट्स से मैं कल वाला ही ले लेता हूँ, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री अपॉन आई थिंक इधर फोर माइनस एक्स था, जो भी था फोर माइनस एक्स, या इधर एक्स माइनस फोर था और लेट्स से ये थ्री माइनस एक्स था, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये दिस वॉज अवर क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें स्टेप वन इज यू हैव टू मेक द आर एच एस जीरो, ठीक है ना। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आर एच एस इज ऑलरेडी जीरो, तो फर्स्ट स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि जो टर्म्स लिखे लीनियर दे शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द लीनियर एक्सप्रेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज पॉजिटिव, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी वेयर एक्स ए इज पॉजिटिव। तो अब देख रहे हैं कि हमारा x माइनस वन, एक्स का कोफिशन वन है, पॉजिटिव है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, x माइनस टू स्टैंडर्ड है, x माइनस फोर स्टैंडर्ड है, बट इधर थ्री माइनस एक्स लिखा है, तो x का कोफिशन क्या है, नेगेटिव, तो आई हैव टू मेक इट पॉजिटिव, एंड फॉर दैट वट आई विल डू, आई विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस। तो मैं इसको लिख लूंगा x माइनस थ्री, एक माइनस बाहर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस को हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, डायरेक्टली तो नहीं हटा सकता, माइनस को डायरेक्टली जीरो के पास लेके नहीं जा सकता। व्हाट आई विल डू मैथमेटिकली, आई विल मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी विद माइनस वन, एंड वी नो कि अगर मैं किसी इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, द इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो लेस देन में हो जाएगा, तो मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया इस इनइक्वालिटी को, व्हाट आई विल गेट, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर, एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, गॉट इट। उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद वी विल लोकेट द रूट्स ऑन अ नंबर लाइन। तो हमने स्टार्ट किया, दिस इज लेट्स ए नंबर लाइन, तो वन टू थ्री एंड फोर, दीज आर माई फोर रूट्स। देन वॉट आई हैव टू सी, कि जो रूट है, जो लीनियर टर्म है जिसका एक्सपोनेंट इवन है या फिर पावर इवन है, उसके मैं उस पर क्या करूँगा, क्रॉस लगा दूंगा। क्यों क्रॉस लगा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं रूट्स को क्रॉस करूँगा, जब मैं इस नंबर लाइन में मूव करूँगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन इस रूट के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो टू पे मैंने क्रॉस लगा दिया, बिकॉज एक्स माइनस टू का जो एक्सपोनेंट है दैट इज इवन। उसके बाद क्या करेंगे, जो राइट मोस्ट रूट है, सॉरी जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट मोस्ट में हम पॉजिटिव लगाएंगे, और फिर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, एंड जैसे ही मैं रूट को क्रॉस करूंगा साइन विल ऑल्टर। तो इधर पॉजिटिव है, तो फोर को क्रॉस किया तो नेगेटिव, फिर माइनस इसी थ्री को क्रॉस किया तो पॉजिटिव, बट इधर अब सिंस टू पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब इधर x माइनस टू का जो पावर होगा ऑफकोर्स इवन होगा, तो साइन विल नॉट चेंज, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। देन अगेन आई विल क्रॉस द वन, देन पॉजिटिव से नेगेटिव, गेट इट। सो फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, कि बेसिकली जो हमें ये साइन मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बेसिकली किसका साइन है, मतलब किसका साइन है, SIGN किसका साइन है, वो हमारे इस एक्सप्रेशन का साइन है। मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव इस रीजन में, नेगेटिव इस रीजन में, पॉजिटिव इस रीजन में, पॉजिटिव इस रीजन में, नेगेटिव इस रीजन में, पॉजिटिव इस रीजन में, लाइक दैट वे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, तो इसने क्या बोला, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो या नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, पहले इसको एक मिनट के लिए लेस देन मान लिया, फिर इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग हम वो नंबर्स ऐड कर देंगे जहाँ वो जीरो हो रहा होगा। तो लेस देन जीरो मतलब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब है, मतलब नेगेटिव वाला रीजन उठा लो। तो एक तो दिख रहा है ये वाला रीजन, वन से पहले, मतलब वन से पहले, मतलब मैं सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू वन। फिर मैंने देखा और नेगेटिव कहाँ है, थ्री से फोर, तो यूनियन थ्री से फोर। अभी जो मैंने आंसर लिखा दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन, बट मेरा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, लेस देन इक्वल्स टू। तो इक्वल टू मतलब ये चीज़ जीरो कब हो रही है, और जीरो कब होगी, जब जो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं वो जीरो होंगे, और वो जीरो कब होंगे, वन पे टू पे और थ्री पे। तो व्हाट आई विल डू, यूनियन, अब सिंगल सिंगल एलिमेंट है तो आई विल यूज डिस्क्रीट सेट, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, दैट्स इट, दिस इज आंसर। और अब मैं इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन एंड टू इन सेपरेटली हेयर, व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट हेयर क्लोज। तो इसी आंसर को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज, माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज, यूनियन, अब ये वन मैंने इधर लिख लिया, क्लोज लगा दिया ना, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली थ्री इधर ओपन है, तो मैं इस थ्री को इसी के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ, तो इधर मैं क्लोज लगा देता हूँ, थ्री क्लोज से फोर ओपन, और फाइनली यूनियन, अब मेरा एक एलिमेंट बचता है दैट इज टू, तो आई सेपरेटली राइट कर्ली ब्रैकेट टू। सो
सो या तो इस फॉर्म में लिखो आंसर या इस फॉर्म में लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और छोटे छोटे लेवल से और धीरे बड़े बड़े लेवल पर जाएंगे। अभी मैंने बल्कि क्वेश्चन इसलिए लिया था, बल्कि इन द सेंस मतलब सारे स्टेप्स कवर अप हो जाएं, ठीक है ना। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। चलो इसको तो लिख ही लिया था तुम लोग कल, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो लेट्स से विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस, एग्जांपल वन। मैं इसलिए बेसिक ले रहा हूँ सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो मैंने लिखा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, करो सॉल्व। तो सबसे पहले ऑल दो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो स्टेप बाई स्टेप करेंगे। स्टेप वन क्या बोलते था कि आर एच एस जीरो होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता था कि जो भी लीनियर टर्म्स हैं दे शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट वन है विच इज पॉजिटिव, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट वन है विच इज पॉजिटिव, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टेप टू भी हमारा चला गया। फिर हम क्या करते थे, वी हैव टू लोकेट द नंबर्स ऑन द, वी हैव टू लोकेट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसका रूट वन है, इसका रूट टू है, तो मैंने सर लोकेट किया वन एंड टू। अब मैंने देखा कि जो लीनियर फैक्टर है, क्या किसी लीनियर फैक्टर का पावर इवन है, तो आंसर मिलेगा नहीं है, तो क्रॉस कहीं नहीं लिखा होगा, क्रॉस मार्क कहीं नहीं लिखा होगा। फिर क्या करते थे, फिर जो सबसे बड़ा रूट है दैट इज टू, उसके राइट में हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, दैट मीन्स हेयर। और फिर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा और जैसे मैं रूट्स को क्रॉस करूंगा आई विल ऑल्टर द साइन, दैट मीन्स इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, गेटिंग इट। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैंने बोला ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, बेसिकली दे आर नथिंग बट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, ये साइन मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव दिख रहा है, एक तो वन से पहले, तो मैंने लिखा जीरो सॉरी माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन ऑफ इट टू से इन्फिनिटी, बट ऐसा लिखने पे मैंने किस किस का आंसर लिखा, ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं है, बट मेरे भी ये क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है, तो इक्वल्स टू है मतलब ये चीज़ जीरो कब हो रही है, वो और ऐड कर देंगे वो वैल्यूज ऑफ एक्स और हम इसमें ऐड करेंगे जहाँ पे ये मेरा चीज़ जीरो हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वन और टू पे। तो मैंने एक काम, या तो मैं ऐसे लिख लूँ यूनियन कर्ली ब्रैकेट वन कॉमा टू, या फिर मैं वन और टू को इसी में कर देता हूँ एडजस्ट। कैसे, एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने लिखा अभी आंसर लिखने का, दूसरा तरीका हो गया माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज यूनियन टू क्लोज से इन्फिनिटी, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है, चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आ जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लेना इसको। एग्जाम्पल टू, तो मैंने लिखा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर का पावर फोर अपॉन x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सिक्स, लेट्स से मैंने ये लिखा, एंड लेट्स से इस टाइम मैं ऐसे दे रहा हूँ लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो स्टेप वन करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, देखो आंसर फाइनल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेप वन, आर एच एस को जीरो बनाओ विच इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। अभी मैं इलस्ट्रेशन लूँगा जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगा आर एच एस को जीरो बनाने का, बट अभी थोड़ा बेसिक है हमारा, तो आई एम गिविंग आई एम मतलब मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी आर एच एस में जीरो है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप की जो टर्म्स हैं, ऑल द टर्म्स लीनियर टर्म शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला टर्म x माइनस थ्री स्टैंडर्ड, x माइनस फोर स्टैंडर्ड, x माइनस फाइव स्टैंडर्ड, x माइनस सिक्स स्टैंडर्ड, तो स्टेप टू भी एस्केप हो गया। देन माई थर्ड स्टेप इज टू लोकेट द रूट्स। तो पहले मैं रूट्स को लोकेट करता हूँ नंबर लाइन पे। तो रूट्स क्या है, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इधर मेरा थ्री, इसके राइट में फोर, इसके राइट में फाइव, इसके राइट में सिक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हें। चलो उसके बाद क्या करते थे हम, क्रॉस साइन लगाते थे। कहाँ लगाना है, वो लीनियर फैक्टर जिसका एक्सपोनेंट इवन हो, x माइनस थ्री का नहीं है, x माइनस फाइव का नहीं है, x माइनस सिक्स का नहीं है, x माइनस फोर का जो पावर है दैट इज फोर। तो ये जो नंबर है फोर, दिस इज इवन, इसीलिए फोर पे आई विल पुट क्रॉस, ठीक है, इसलिए आई विल पुट। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिक्स कर देता हूँ, नहीं तो तुम इससे कन्फ्यूज हो गए। लेट्स से मैं इसको क्वेश्चन को सिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट एज सिक्स, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस फोर का पावर जो है एक्सपोनेंट विच इज इवन, हैंस आई विल पुट क्रॉस ऑन दिस रूट,
4. Now what I'll do, I'm right, जो सबसे बड़ा रूट है दैट इज 6, उसके राइट मोस्ट पे आई विल पुट पॉजिटिव साइन. क्या करूँगा मैं, उसके राइट मोस्ट पे आई विल पुट पॉजिटिव साइन. तो इधर पॉजिटिव, फिर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा और जैसे जैसे मैं रूट्स को क्रॉस करूँगा आई विल ऑल्टर द साइन एक्सेप्ट द रूट्स जहाँ मैंने क्रॉस पुट किया है. और क्रॉस किस रूट पे पुट किया है, जिन लीनियर टर्म्स का एक्सपोनेंट इवन था. तो पॉजिटिव 6 को क्रॉस किया, ऑल्टर किया नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव. अब सतर्क रहना है, अब मैं इधर नेगेटिव नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट ऑल्टर द साइन. इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा. द रीजन इज ये जो क्रॉस लगा इसके कारण. ठीक है, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव ऑल्टर करेंगे. ठीक है, अच्छा तो अब मेरे को, मैंने क्या बोला कि जो मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है नंबर लाइन पे, वो बेसिकली साइन किसका है, इस एक्सप्रेशन का साइन है, SIGN इसका साइन है. ठीक है, अच्छी बात है. फिर मुझे चाहिए क्या, लेस देन इक्वल्स टू जीरो. लेस देन इक्वल्स टू जीरो मतलब नेगेटिव या जीरो. तो पहले मैं नेगेटिव के लिए निकाल लेता हूँ कि नेगेटिव किस किस रीजन में है हमारा ये एक्सप्रेशन. तो एक तो 3 से पहले, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन. फिर नेगेटिव कहाँ है, 5 से 6, दैट्स इट. बट ये तो मैंने जो आंसर लिखा वो किसके लिए लिखा, नेगेटिव के लिए, मतलब लेस देन जीरो के लिए. बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसमें मुझे वो वैल्यूज ऑफ x और ऐड करनी है जहाँ मेरा ये एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो रहा है. और जीरो कहाँ होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा. और न्यूमरेटर जीरो कहाँ हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 3 पे और x इज इक्वल टू 4 पे. तो व्हाट आई विल डू, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 3, 4. ठीक है ना, डिनोमिनेटर मत कर देना, 5 और 6 मत कर देना, बिकॉज 5 और 6 पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. 5 और 6 तो आना ही नहीं चाहिए हमारा किसी भी हालत में. ठीक है ना, ओनली न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर जीरो कहाँ हो रहा है. ठीक है, तो अब इसी को मैंने बोला कि और कैसे तरीके से लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं इसी के अंदर क्लब कर सकता हूँ. कैसे करूँ, माइनस इन्फिनिटी से 3 पे क्लोज लगा दिया, तो इधर 3 लिखने की जरूरत नहीं है. 4 तो फिर भी लिखना ही पड़ेगा, 5, 6 यूनियन कर्ली ब्रैकेट 4. सो इधर दिस वे यू कैन राइट द आंसर और दिस वे, नो चेंज, बोथ आर सेम. क्लियर हो बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो इसको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने लिखा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसकी पावर 6, कल 6 ले ली, इस बार 8 ले लेते हैं, अपॉन x प्लस 7 का इंटू एक्स प्लस 6 की पावर 2. चलो लेट्स से दिस इज, चलो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2 माइनस x, और इसको मैंने कर दिया लेस देन इक्वल्स टू 0. चलो इसको सॉल्व करो, अब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट बढ़ाया. ठीक है ना, स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करो और इसको स्टार्ट करो. अब मैं स्टार्ट करूँ, चलो तो स्टेप 1 करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मेरा RHS में 0 है. ठीक है, चलो अच्छी बात है. फिर स्टेप 2 हम देखेंगे कि सारे लीनियर फैक्टर्स जो है, आर दे आर ऑल दोज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 तो है बिकॉज x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी x माइनस 3 स्टैंडर्ड, x प्लस 7 स्टैंडर्ड, x प्लस 6 स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड क्या नहीं है, 2 माइनस x, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस 1 है. तो वील मेक इट पॉजिटिव. कैसे बनाओ, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस आई विल टेक कॉमन, व्हाट आई विल गेट, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 की पावर 8 अपॉन एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0. अब क्या करें, नाउ ऑल द टर्म्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इस माइनस को हटा देते हैं, हटाएंगे कैसे, इस पूरी इनइक्वालिटी को आई मल्टीप्लाई विथ माइनस 1. सो आई एम मल्टीप्लाइंग विथ माइनस 1. तो मेरे को पता है कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. तो अभी इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल्स टू है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. तो आई विल गेट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 8 अपॉन एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहाँ तक क्लियर हुआ, तो फाइनली मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है एंड इसको सॉल्व करना, इक्विवेलेंट है, वहीं से ये आया है. ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हम अब नंबर्स को, रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. तो लेट्स से मैंने इधर प्लॉट किया नंबर लाइन पे, दिस इज अ नंबर लाइन, आई एम प्लॉटिंग द रूट्स. अब ध्यान से देखना रूट्स क्या क्या है, ये x प्लस 1 लिखा है, तो जनरली क्या होता है, बच्चे लोग जल्दी जल्दी में इसको 1 बोल देते हैं, इसका इसके इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग द रूट इज प्लस 1. नहीं,
एक्स प्लस रूट्स कैसे बोला था मैंने, रूट्स बताया था कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वो चीज़ जीरो हो रही है, तो एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, एक्स इजिकल टू माइनस वन पे, तो इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग एक्स प्लस वन जो लिखा है इसके करस्पॉन्डिंग द रूट इज माइनस वन नॉट वन, याद रखना। तो लेट्स से मेरा माइनस वन यहाँ है, दिस इज माइनस वन, चलो तो ये फैक्टर हो गया मेरा। फिर एक्स प्लस टू आया, तो एक्स प्लस टू कहाँ जीरो हो रहा है, टू पे, तो मतलब टू को मार्क करेंगे हम, तो टू। फिर एक्स माइनस थ्री की पावर एट, तो थ्री का आएगा मेरे राइट में आएगा, इसके टू के राइट में, वेल मार्क इट हियर थ्री। नाउ एक्स प्लस सेवन क्या रूट है इसका, माइनस सेवन, डोंट पुट सेवन, बिकॉज एक्स प्लस सेवन कहाँ जीरो हो रहा है, माइनस सेवन पे ना, तो आई प्लॉट माइनस सेवन ऑन द नंबर लाइन, गेटिंग इट। उसके बाद एक्स प्लस सिक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या है मेरा, माइनस सिक्स, तो आई विल मार्क हियर माइनस सिक्स। यहाँ तक क्लियर है, मैंने क्या किया इन सभी रूट्स को बस नंबर लाइन्स पे प्लॉट किया, ठीक है ना, इन रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब क्या करते थे हम, अभी डायरेक्टली हम अब उधर पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा स्टेप और बाकी है कि जो भी फैक्टर, जो भी लीनियर फैक्टर की पावर एक्सपोनेंट है, इवन एक्सपोनेंट है, जिस भी लीनियर फैक्टर का पावर अगर इवन है उसके करस्पॉन्डिंग रूट पे हम क्रॉस मार्क करेंगे। नाउ देयर आर टू रूट्स, कौन कौन से, एक तो थ्री, बिकॉज थ्री एक्स माइनस थ्री की पावर क्या है, इवन, एंड एक्स प्लस सिक्स उसकी पावर भी इवन है, hence corresponding to these root two roots I'll put cross sign, तो एक तो x is equal to 3 पे आएगा तो I'll put here cross, एक x is equal to minus 6 पे आएगा I'll put cross, क्यों कर रहा हूँ, because while crossing these root I will not alter the sign, while crossing these roots I will not alter the sign, clear है यहाँ तक, चलो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो सबसे बड़ा root है that is in this particular case it is 3, उसके right most पे I'll put positive sign, I'll put पॉजिटिव साइन, ये मेरा पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा एंड आई विल ऑल्टर द साइन वाइल क्रॉसिंग द रूट्स, एक्सेप्ट द रूट्स वेयर वी हैव मार्क्ड क्रॉस साइन। तो जैसे कि मैं अब इधर से इधर मूव किया तो पहले रूट थ्री मिला, बट देखा थ्री पे तो क्रॉस लगा है, इसका मतलब मैं साइन को ऑल्टर नहीं करूँगा, इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा, गेटिंग इट। फिर मैं लेफ्ट की तरफ मूव किया, फिर मैं टू पे क्रॉस तो नहीं है, तो फिर मैं साइन चेंज करूँगा, तो टू पे साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो गया। फिर माइनस वन पे क्रॉस नहीं है, तो अगेन आई विल ऑल्टर द साइन पॉजिटिव। नाउ माइनस सिक्स पे क्रॉस है, तो आई विल नॉट ऑल्टर द साइन, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा। माइनस सेवन पे क्रॉस है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल ऑल्टर द साइन, तो दिस इज नेगेटिव। तो जो मुझे मिले विद रेड कलर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह, तो वो किसके साइन है, वो हमारा है साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो किन एक्स के लिए है, तो बस हम रीजन देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मतलब पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, तो पहले पॉजिटिव के लिए मार्क कर रहा हूँ, फिर मैं जीरो के लिए अलग से ऐड कर दूंगा। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ, एक तो माइनस सेवन से माइनस सिक्स, तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, माइनस सेवन से माइनस सिक्स यूनियन माइनस सिक्स से माइनस वन, ठीक है। अभी मैंने माइनस सिक्स को क्लोज नहीं लिखा है, बिकॉज देखूंगा मैं माइनस सिक्स कहीं न्यूमरेटर एक्स प्लस सिक्स जो फैक्टर है वो कहीं डिनोमिनेटर में तो नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में तो फिर इधर इक्वालिटी मतलब क्लोज ब्रैकेट मतलब वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अभी पहले ये लिख लो, उसके बाद पॉजिटिव कहाँ, टू से थ्री, तो यूनियन टू से थ्री यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, ये तो मैंने किसका आंसर लिखा है, अभी मैंने आंसर लिखा है ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव का। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन है वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन का लिख लिया, अब इक्वल टू के लिए और लिख लेते हैं। अब ये चीज़ जीरो कब होगी, एक तो माइनस वन पे, बिकॉज देखो एक चीज़ अगर नोट करके लिख लेना इफ़ यू वांट कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कोई चीज़ दिया है, अगर ये चीज़ जीरो हो रही है ना, देन इट कैन बी जीरो ओनली इफ न्यूमरेटर इज जीरो, क्योंकि मिसकंसेप्शन होता है 9th-10th में बच्चों को कि डिनोमिनेटर अगर मैंने इन्फिनिटी ले लिया तो वो चीज़ जीरो हो जाएगी, नहीं। और हमने पहले भी पढ़ा है इन्फिनिटी टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है, इट इज़ सिंपली ए नोशन, मतलब एक बहुत बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब इधर कुछ लिखा है इधर कुछ लिखा है, अगर ये डिवाइड करने पे जीरो आ रहा है देन इट कैन बी जीरो ओनली बिकॉज, ऐसे लिख लो दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा। तो मैंने बोला कि ग्रेटर देन के लिए तो मैंने लिख लिया ये आंसर, अब मुझे लिखना है इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, और इक्वल टू जीरो कब होगा बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर जीरो कब होगा माइनस वन पे टू पे और थ्री पे, तो मैं यूनियन करके लिख लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट में माइनस वन टू एंड थ्री। अब इन नंबर्स को इसमें भी एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ क्या है ओपन क्लोज वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल ये आंसर लिखा मैंने, अब इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस सेवन से माइनस सिक्स तो ठीक है यहाँ तक, माइनस सेवन से माइनस सिक्स यूनियन माइनस सिक्स से
अब माइनस वन इधर है और इधर कल अलग से ऐड कर रखा है, तो वाई टू ऐड हेयर, आई विल डायरेक्टली पुट हेयर क्लोज, तो माइनस वन पे क्लोज लगा देता हूँ यूनियन। फिर टू इधर ओपन है, इधर लिखा हुआ है, तो मेरा ये तो कवर हो गया। अब टू पे इधर क्लोज लगा देता हूँ, तो देखो टू क्लोज। अच्छा एक चीज़ और, अब मैं थ्री को इसमें रखूँगा तो थ्री भी मेरा सेट में आ जाएगा, तो ये टू से थ्री लिखा है और थ्री से इन्फिनिटी लिखा है, तो इस चीज़ को कंबाइंडली मैं क्या लिख सकता हूँ, टू से इन्फिनिटी, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, और दिस वे, बोथ वे यू कैन गिव, तो माइनस वन टू और थ्री तीनों कवर हो गए हमारे, ठीक है ना। ऑफकोर्स माइनस सिक्स नहीं हुआ इधर, देखो चलो एक काम करता हूँ, मैं इसका आंसर को मल्टीपल तरीके से लिखता हूँ, सो दैट एक बार अपना वो सब और क्लियर हो जाएगा, रिप्रेजेंट मतलब अपने जो पढ़ा था सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं इसको रब कर दूँ, वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसी आंसर को अलग अलग तरीके से लिख के बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखना, जैसे पहले तो मैंने ये वाला आंसर लिखा था, ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने ये लिखा, अब मैं और कैसे लिख सकता हूँ, और अब मैं इस पे आओ ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, माइनस सेवन से माइनस सिक्स, फिर माइनस सिक्स नहीं लिया, माइनस सिक्स से माइनस वन, तो मैं इस पूरे को इन दोनों को क्लब करके ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस सेवन से माइनस वन, और उसमें से मैं माइनस सिक्स हटा देता हूँ, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस सेवन से माइनस वन क्लोज। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, कौन सा एलिमेंट, माइनस सिक्स विच इज नॉट देयर इन दिस, तो मैं इसमें से माइनस सिक्स हटा देता हूँ, माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस सिक्स, और फिर ये तो अलग से है हमारा यूनियन, टू क्लोज से इन्फिनिटी, गेटिंग इट। सो मल्टीपल वेज से हम आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, और बस ये तीनों मेथड काफ़ी है, तीनों वे से लिखना, अगर कोई भी डाउट है तीनों तरीके से लिखने में, आस्क मी ऑन डाउट सेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग डाउट सेशन यू शुड आस्क मी, ओके। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, छोटा बड़ा, मैं डेली तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बट फिर भी मुझे सभी बच्चे लोग नहीं पूछते हैं, पाँच छः बच्चे मैं देख रहा हूँ जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अदर्स आर जस्ट लिसनिंग, इट शुड नॉट बी देयर। मैंने तुम्हें पहले भी याद दिलाया, कल के लेक्चर में ही बोला था कि योर बैच विल बी डिसाइडेड, बिकॉज इन हियर इन रोटरी वी हैव एटलीस्ट टू टू थ्री बैच, ठीक है ना, एंड दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, द वे यू आर आस्किंग द डाउट्स टू टीचर्स, द वे यू आर गेट, मतलब तुम्हें नंबर कितने आ रहे हैं एग्जाम्स में, उसके बेसिस पे और टीचर्स के फीडबैक के बेसिस पे यू विल बी गेटिंग बैच वन और टू डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस ओवरऑल, ठीक है। तो इसलिए मैंने बार बार बोला, नॉट ओनली मैथ्स, फॉर ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स यू शुड आस्क डाउट्स टू टीचर्स, ठीक है, रेगुलरली यू शुड बी इन टच विद टीचर्स रेगुलरली, कैसा भी डाउट हो पूछो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो अब इसको करो, करो इसको, वीडियो पॉज करो और इसको करो, ठीक है। अब मैं करूँ इसको स्टार्ट करूँ, सबसे पहले राइट में हमारा जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला कि सारे जो लीनियर फैक्टर लिखे आर दे ऑल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आंसर मिलेगा यस, ऑल द लीनियर फैक्टर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम रूट्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो रूट्स को प्लॉट किया नंबर लाइन पे, तो रूट्स दिख रहा है वन है, वन हेयर, एक्स प्लस टू कहाँ जीरो हो रहा है, माइनस टू पे, तो इसका रूट हो गया माइनस टू। फिर एक्स प्लस थ्री कहाँ जीरो हो रहा है, माइनस थ्री पे, तो इसका रूट माइनस थ्री। फिर एक्स माइनस सिक्स, सिक्स। तो ये तो मैंने क्या किया अभी तक, रूट्स को मैंने नंबर्स लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है ना। नाउ आई विल सी द रूट्स विद इवन एक्सपोनेंट, तो इवन एक्सपोनेंट वाला मतलब कौन सा, एक तो वन और एक माइनस टू, तो वन और माइनस टू पे आई विल पुट क्रॉस साइन, तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है। इन दोनों पे क्रॉस क्यों आया, बिकॉज एक्स माइनस वन का जो एक्सपोनेंट है दैट इज इवन, एंड एक्स प्लस टू का जो एक्सपोनेंट है दैट इज ऑल्सो इवन, सो आई विल पुट क्रॉस ऑन दीज टू रूट्स। नाउ वट विल डू, नाउ विल सी द ग्रेटेस्ट रूट, और उसके राइट में मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, तो द ग्रेटेस्ट रूट इज प्लस सिक्स, सो आई विल पुट हियर प्लस, देन आई विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड वाइल क्रॉसिंग द रूट्स आई विल ऑल्टर द साइन। फॉर एग्जाम्पल इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आता लेकिन नहीं आएगा, द रीजन इज इधर क्रॉस लगा है, तो वी विल नॉट ऑल्टर, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अगेन नेक्स्ट रूट इज माइनस टू, बट इधर भी क्रॉस लगा है तो साइन विल नॉट ऑल्टर, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव रहेगा, क्लियर हुआ। और अब माइनस थ्री पे क्रॉस लगाया क्या, नहीं लगा, अब ऑल्टर हो जाएगा, ये नेगेटिव से आई विल गेट पॉजिटिव, आर यू गेटिंग इट, क्लियर हुआ। अच्छा अब ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखे वो मैंने क्या बोला था, किसके साइन है, साइन ऑफ दिस पार्ट,
इस पार्ट का वो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव। तो मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो पहले ग्रेटर देन के लिए लिख लेते हैं, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, माइनस थ्री से पहले के लिए और सिक्स से बाद के लिए। सो व्हाट आई विल डू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन सिक्स से इन्फिनिटी। लेकिन अभी मैंने जो आंसर लिखा वो किसका आंसर लिखा है, फॉर ग्रेटर देन जीरो, बट मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए चाहिए। तो इक्वल टू के लिए अब हम अलग से ऐड कर देते हैं कि भाई ये चीज़ जीरो कब हो रही है, तो यूनियन वो चीज़ जीरो कब हो रही है, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर जीरो कब होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो। और न्यूमरेटर जीरो कब होगा, व्हेन एक्स इज वन, तो आई ऐड हियर वन, एंड एक्स इज माइनस टू, तो आई ऐड हियर माइनस टू। सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्रेस द आंसर, गेटिंग इट। अब माइनस जो वन और माइनस टू है, एक मिनट, या वन एंड माइनस टू यू कैन नॉट क्लब इन दिस बिकॉज वो अलग ही इंटरवल में आ रहा है, ठीक है ना। तो नो नीड टू ऑल्टर दिस द राइट आंसर, मतलब इसी तरीके से प्रेजेंट करो आंसर को, इन दोनों एलिमेंट्स को इसके अंदर क्लब नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। सो एज इट इज छोड़ दिया आपने आंसर, क्लियर हुआ। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं जब तक फील ना आ जाए। मतलब ऐसा प्रैक्टिस करना है कि इस टाइप का अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन तुम्हें जेईई एडवांस में एनकाउंटर होता है तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, मतलब श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। चलो और मैंने लिखा x प्लस टू की पावर थ्री, x माइनस वन का पावर टू, x प्लस चलो x माइनस थ्री का पावर सेवन, और डिनोमिनेटर में x प्लस वन का पावर फाइव, इधर लिख लिया x माइनस सिक्स का पावर एट, इधर लिख लिया x माइनस टेन का पावर फाइव, फिर मैंने लिखा लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, करो एक बार सॉल्व, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, ठीक है। हर एक स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल सी कि राइट हैंड RHS जीरो है कि नहीं, इट इज, RHS इज जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या सारे टर्म्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो आंसर मिलेगा यस, ऑल द नंबर्स आर इन, ऑल द लीनियर फैक्टर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द रीजन इज एक्स के कोफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर ऑल द लीनियर फैक्टर्स, अच्छी बात है। फिर थर्ड स्टेप, वी लोकेट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन, तो रूट्स को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो सबसे छोटा रूट है माइनस टू, वेल पुट हियर माइनस टू, फिर उसके बाद ये वाला माइनस वन, माइनस वन, उसके बाद वन थ्री सिक्स टेन, तो वन थ्री सिक्स टेन। अभी हम स्टेप ऐसे लिख रहे हैं ना एक एक करके, तब तुम्हें लग रहा है कि लेंदी हो रहा है, बट व्हेन यू फील, मतलब जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आई एम श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम 20 सेकंड्स सफिशिएंट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 20 सेकंड्स बोल रहा हूँ मैं, 20 सेकंड्स भी ज़्यादा बोल दिया एक्चुअली मैंने, ठीक है ना। लेस देन 20 सेकंड्स इट विल टेक टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मतलब तुमने प्रैक्टिस अच्छी करी और टीचर की हर एक पॉइंट को अच्छे से सुना ध्यान देके, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस साइन लगाएंगे, कहाँ पे, वो लीनियर फैक्टर जिसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सपोनेंट है दैट इज इवन, तो इधर नहीं है, इधर है वन पे, तो वन पे, फिर इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर सिक्स पे, फिर इधर भी नहीं। चलो दीज आर, देर आर टू क्रॉसेस, बिकॉज एक तो x माइनस सिक्स का पावर एक्सपोनेंट है और एक x माइनस वन का पावर इवन है, तो करस्पॉन्डिंग टू वन एंड एट एंड सिक्स वी विल पुट क्रॉस ऑन द रूट्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल सी द ग्रेटेस्ट रूट, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज 10, तो उसके राइट में आई विल पुट पॉजिटिव साइन, सो दिस इज द पॉजिटिव साइन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मूव इन द लेफ्ट एंड व्हाइल क्रॉसिंग द रूट्स आई विल ऑल्टर द साइन एक्सेप्ट द रूट्स वेयर वी हैव पुट क्रॉस साइन, उनको छोड़ के बाकी सभी जगह आई विल ऑल्टर द साइन। तो ठीक है, 10 पे क्रॉस है क्या, नहीं है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इधर क्रॉस आ गया, तो आई विल नॉट ऑल्टर, तो ये नेगेटिव है तो अगेन इट विल बी नेगेटिव। देन आई विल क्रॉस 3, तो 3 पे क्रॉस है क्या, नहीं है, तो आई विल ऑल्टर द साइन। 1 पे क्रॉस है क्या, आई विल नॉट ऑल्टर द साइन, फिर पॉजिटिव से माइनस 1 पे क्रॉस, नहीं है, ऑल्टर, फिर माइनस 2 पे क्रॉस, नहीं है, तो आई विल ऑल्टर। सो दिस इज द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब मुझे ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए, तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो माइनस 2 से माइनस 1, फिर ये हो गया और नेगेटिव, ये दोनों रीजन, तो इसको मैं लिखूंगा यूनियन 3 से 6 यूनियन 6 से 10। बट इतना लिखने पे मैंने किसका आंसर लिखा, लेस देन जीरो के लिए, मतलब नेगेटिव के लिए, बट मुझे ये भी देखना है कि जीरो कब आ रहा है, बिकॉज इसने तो ये बोला लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इस सिंबल को क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल्स टू ना, मतलब नेगेटिव या जीरो, तो जीरो कब होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो, और न्यूमरेटर कब जीरो होगा, माइनस टू पे, वन पे एंड थ्री पे। तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगा के
इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर लिया अपने सेट में, दैट इज माइनस टू, वन एंड थ्री. सो दिस इज द आंसर. अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे कि तुम फॉर एग्जाम्पल माइनस टू को भी इधर ही ऐड कर सकते हो, सिमिलरली थ्री को भी इधर ऐड कर सकते हो बाय पुटिंग क्लोज ब्रैकेट, और मेरा वन बचा तो वन को तो वहीं रहने दो बिकॉज वन कैन नॉट बी क्लब इन एनी ऑफ दिस ब्रैकेट्स. ठीक है, तो वन को तो मैं क्लोज नहीं कर पाऊँ. एक मिनट, मैंने आंसर गलत लिख दिया क्या? जस्ट अ सेकेंड, लेस देन बोला था तो माइनस टू से माइनस वन, थ्री से सिक्स, नहीं परफेक्ट, आंसर इज परफेक्ट, नो इशू. ठीक है, वन या करेक्ट है. ठीक है, तो अब मैं क्लब करके लिख लेता हूँ दूसरे तरीके से आंसर. मैंने बोला माइनस टू को इधर ही क्लोज क्लब कर दो बाय पुटिंग हेयर क्लोज ब्रैकेट, माइनस टू पे क्लोज, फिर माइनस वन ओपन यूनियन, फिर सिमिलरली हेयर ऑल्सो थ्री पे मैं क्लोज लगा देता हूँ. सो थ्री पे क्लोज यूनियन सिक्स कॉमा टेन. सो बस एक और ऐड करना पड़ेगा यूनियन, ये वन बचा मेरा तो इधर वन, दैट्स इट. दिस एंड दिस बोथ आर एग्जैक्टली सेम. ठीक है ना, नो चेंज एट ऑल, एग्जैक्टली सेम. ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आना चाहिए बिकॉज अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास में, मतलब अभी तो अब इसका क्वेश्चन करूँगा, अब मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्लास, मैं बता रहा हूँ कि आज तो हम इसी टाइप की चीज़ें देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस, सो दैट एक दिन तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे. मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा. इसके क्लियर होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आएगा प्लस मॉडुलस आएगा. ठीक है ना, तो वो चीज़ जब समझ में आएगी जब तुम इसमें एकदम फ्री हो जाओ, मतलब एकदम फ्री मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं डाउट है तो आज की आज ही क्लियर कर लेना. ठीक है ना, डाउट सेशन में चलो और ले लेते हैं. अब एक आध एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, चलो एक आध और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वो RHS वाला भी लूँगा जहाँ RHS मेरा जीरो नहीं है. बट बिफोर दैट एक आध दो एग्जाम्पल और कर लिया हमने. ठीक है ना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. जैसे मैं बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, देखो कितना फास्ट होगा, देखो फास्ट तरीके से कैसे होगा. देखो जैसे मैंने लिखा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, लेट से x प्लस फोर, एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस इलेवन लेस देन इक्वल्स टू जीरो. मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है, सब एकदम जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम देखेंगे RHS जीरो तुरंत दिख जाएगा, सारे फैक्टर्स स्टैंडर्ड में दिख जाएंगे. नाउ यू हैव टू जस्ट लोकेट द रूट्स. तो यू कैन सी सबसे छोटा रूट क्या है, एक्स प्लस फाइव के करस्पॉन्डिंग माइनस फाइव, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस फोर, फिर वन टू सिक्स, वन टू सिक्स इलेवन. तो कहीं क्रॉस आएगा क्या? नहीं, सभी नॉर्मल है, ये एक्सपोनेंट इवन है ही नहीं. तो बस फिर ऑल्टर कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब देख लो लेस देन इक्वल्स टू बोला मतलब नेगेटिव, तो ये रीजन माइनस फाइव से माइनस फोर यूनियन, ये वाला वन से टू यूनियन, सिक्स से इलेवन यूनियन. अब कर ली ब्रैक, अब इक्वल टू के लिए न्यूमरेटर कब जीरो होगा, वन पे टू पे माइनस फोर सिक्स, दैट्स इट. कितना टाइम लगा खुद से पूछो. इतना फास्ट करना है तुम्हें, इससे भी फास्ट करना है जितना मैं कर रहा हूँ ना, उससे भी फास्ट करना है. यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो तुम्हारा तो और हाथ ज़्यादा चलना चाहिए, टीचर से भी फास्ट होना चाहिए तुमसे. ठीक है ना, इतना प्रैक्टिस करो. ठीक है ना, एग्जाम मुझे नहीं देना है, मैं कंसेप्ट अच्छे से बता सकता हूँ, हो सकता है, मतलब इन जनरल मैंने देखा है कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से भी फास्ट करते हैं कैलकुलेशंस. ठीक है ना, आई सॉ इन द रोटरी इटसेल्फ इन द लास्ट टू बैचेस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, लॉट मतलब मैंने 4-5 स्टूडेंट्स मुझे मिलते ही हैं हर साल जो इवन मुझसे भी फास्ट करते हैं कैलकुलेशंस. तो उस टाइप की स्पीड होना चाहिए तुम्हारी. ठीक है, क्लियर हुआ, चलो और मूव करते हैं. थोड़ा एक आदमी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को ले लेता हूँ ना, अभी स्टैंडर्ड हो गया. तो चलो जैसे मैंने लिखा 4 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस फाइव, लेट्स से छोटा सा लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. सिंपल करो एक बार. तो मैंने बोला RHS जीरो है क्या? हाँ है. क्या सारे फैक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में? आंसर क्या मिलेगा? नहीं, ये तो स्टैंडर्ड में है बट दीज टू आर नॉट स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे करते हैं? इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो. अब इधर क्या होगा ना, लकीली दो जगह से माइनस कॉमन आने वाला है, तो बाहर दो बार माइनस आएगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पहले इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स माइनस फोर, एक माइनस बाहर आ गया. फिर इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया सो दैट ये एक्स माइनस थ्री हो जाए, तो उस माइनस ये पहले का माइनस प्लस हो जाएगा. सो वट एवर इज रिटन दिस इज सेम एज दिस जो नीचे लिख रहा हूँ मैं, और ये एक्स माइनस फाइव एज इट इज लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. क्या मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, दो नेगेटिव आए थे तो वो ऑलरेडी कंपेंशिएट हो गए थे. अगर मान लो एक नेगेटिव होता इधर, तब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता, बट इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ टू नेगेटिव्स. सो अब बस सिंपल है, नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लोकेट द रूट्स. दिख रहा है क्लियरली 3, 4, 5 सबसे बड़ा रूट 5, इसके लेफ्ट में राइट में पॉजिटिव, ऑल्टर द साइन पॉजिटिव नेगेटिव. मैंने क्रॉस क्यों नहीं लगाया? बिकॉज सारे लीनियर फैक्टर्स का जो एक्सपोनेंट था दैट इज वन, विच इज ऑड, इवन नहीं था. सो दिस इज द
साइन, ये साइन किसका आया, मेरा इस एक्सप्रेशन का। ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव या जीरो। तो पॉजिटिव किस रीजन में है, 3 से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। बस अब क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा कौन कौन से नंबर्स जहाँ ये मेरी चीज़ जीरो हो रही है, बिकॉज इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये जीरो कहाँ होगा, 4 पे 3 पे और 5 पे, मतलब 3, 4, 5 पे, 3, 4, 5। सो दिस इज द आंसर। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 3, 4, 5 को इसी के अंदर क्लब कर लेता हूँ, नो नीड टू राइट सेपरेटली। कैसे, इधर 3 पे क्लोज लगा दो, इधर 4 पे क्लोज लगा दो, इधर 5 पे क्लोज लगा दो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्लोज से 4 क्लोज यूनियन 5 क्लोज से इन्फिनिटी, 1 एंड द सेम थिंग, बोथ आर करेक्ट, दिस और दिस। क्लियर हुआ, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज करके कॉपी करो इसको, बहुत आसान पार्ट है, ठीक है ना। एक बार स्टेप्स क्लियर होना चाहिए तुम्हें और थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। चलो अब मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें मैं चलो एक पहले एक और एग्जांपल ऐसे नॉर्मल, मैंने लिखा 1 - x, 2 - x, 3 - x, x - 4, लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 0। सिंपल एक और एक छोटा वाला ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ा लेंगे। अब मैंने बोला 1 - x, 2 - x, 3 - x, x - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो क्या RHS में 0 है, हाँ वो तो है। फिर मैंने बोला क्या जो सारे लीनियर टर्म्स हैं आर दे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर मिलेगा नहीं, ये तीनों टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो तीन टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तीनों से माइनस कॉमन लूँगा। अब मैं जब तीनों से माइनस कॉमन लूँगा तो बाहर 3 बार माइनस आएगा, तो 2 बार माइनस आएगा वो तो प्लस हो जाएगा, फिर तीसरी बार माइनस आएगा तो एक माइनस एक्स्ट्रा। फाइनली व्हाट वी विल गेट, माइनस आउटसाइड। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 3 बार माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हम माइनस बाहर ले रहे हैं, तो बाहर रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू माइनस टाइम्स, मैंने लिखा x - 1, x - 2, x - 3 और x - 4 एज इट इज कॉपीड, लेस देन इक्वल्स टू 0। समझ में आया, 3 बार माइनस लिया तो रिजल्टेंट इज 1 बार माइनस बाहर, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैंने माइनस बाहर लिया तो आउटपुट क्या होगा, माइनस एक्स्ट्रा आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस बाहर लेता तो रिजल्टेंट विल नॉट चेंज। चलो अब मैंने क्या करा, इस माइनस को हटाने के लिए आई मल्टीप्लाई विद -1, और मुझे पता है अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी विद -1, सो हियर आई गेट x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, और ये लेस देन इक्वल्स टू था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, नाउ ऑल द टर्म्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ आई विल प्लॉट द रूट्स ऑन अ नंबर लाइन। तो मैंने लिखा नंबर लाइन पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सबसे बड़ा रूट इज 4, उसके राइट पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव। नाउ कहीं क्रॉस लगाने की जरूरत है नहीं, द रीजन इज ऑल द लीनियर फैक्टर्स का पावर आर ऑड ओनली। फिर क्या करूं, मैं राइट की तरफ मूव करूंगा और व्हाइल आई विल क्रॉस द रोड रूट आई विल ऑल्टर द साइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो व्हाट एवर यू आर गेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर बेसिकली द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एंड व्हाट वी वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव या 0। तो पहले पॉजिटिव के लिए लिख लेते हैं, तो ये चीज़ पॉजिटिव कब होगी, एक तो इस रीजन में, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में, दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब इसी का तो साइन देता है ना वो। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये तो हो गया किसका, पॉजिटिव का। बट मुझे क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो जहाँ ये चीज़ जीरो हो रही है उन नंबर्स को भी आई विल ऐड। तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आई ऐड दीज 4 नंबर्स, सो दिस इज द आंसर। अब और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4 को मैं इधर ही मतलब एडजस्ट कर देता हूँ। कैसे करूँगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से ये 1 पे ओपन है तो आई विल पुट 1 पे क्लोज, तो 1 आ गया मेरे सेट में। यूनियन ये 2 और 3 पे ओपन है तो मेरा 2 और 3 पे क्लोज लगा दिया, तो 2 और 3 भी आ गए। यूनियन इधर 4 पे ओपन है तो 4 पे मैंने क्लोज लगा दिया तो 4 भी आ गया इन्फिनिटी। सो दिस एंड दिस बोथ आर एग्जैक्टली सेम, नो चेंज, नो डिफरेंस, गेटिंग, क्लियर हुआ। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। चलो अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ जहाँ मेरा आरएचएस में ए 0 नहीं है, उस टाइप का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप के बहुत हो गए, और बाकी अभी क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, वो भी हम कल के क्लास में करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ 1 upon x - 1 - 1 upon 2x plus let's say
ऐसे लिख लो, इसको लिख लो माइनस एक्स माइनस फोर, और इसको लिख लो टू एक्स माइनस एट लिख लो, एक मिनट, टू एक्स माइनस एट नहीं तो जीरो हो जाएगा, टू एक्स माइनस टेन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। चलो एक काम करते हैं, इसको इधर लगा देते हैं। चलो दिस इज द करेक्ट वे, एक्चुअली तो हिंट मिल गया होगा जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उससे अभी, ठीक है ना। चलो दिस इज द अगेन इनइक्वालिटी, बीच में इनइक्वालिटी है, कुछ इधर एक्स का एक्सप्रेशन है, कुछ एक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन गिव इट अ ट्राई, ठीक है ना। यू शुड ट्राई एक्चुअली, यू शुड ट्राई, ठीक है ना, देन ओनली यू विल लर्न अ लॉट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने बोला अब अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें क्या था हमारा, ऑलरेडी RHS में जीरो था, बट इसमें RHS में जीरो तो नहीं है। तो जीरो कैसे बनाऊँ, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आता हूँ, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आता हूँ। तो स्टेप वन इधर काम आ गया, तो वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस टेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर? यहाँ तक मैंने जीरो बनाना था, जीरो बना दिया, दिस इज द वे ऑफ मेकिंग जीरो, ठीक है। अच्छा अब क्या करूँ, अच्छा अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो भी हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी अभी तक, तुमने जो भी इनइक्वालिटीज पढ़ी उसमें नोटिस किया क्या इंपॉर्टेंट चीज, कि जो भी लीनियर फैक्टर्स थे ना, दे ऑल द लीनियर फैक्टर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मैंने लिखा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स लाइक दैट वे। तो जो भी लीनियर फैक्टर्स थे दे आर ऑल इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, बट इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। तो क्या करूँ, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लाना है मुझे, क्योंकि उस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है। तो मैं क्या करूँगा, इधर LCM लूंगा। LCM कैसे लेते हैं, दिस इंटू वन माइनस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस इंटू दिस। तो कैसे लिखूंगा, 2x माइनस 10 माइनस, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। सो दैट जो फैक्टर्स है ना लीनियर दे विल बी इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मतलब उस टाइप की इनइक्वालिटी बन जाएगी जो हम ऑलरेडी करके आ रहे हैं। ये आया अपॉन x माइनस 4 2x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब न्यूमरेटर देख लेते हैं, तो 2x माइनस x is x माइनस 10 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6। तो न्यूमरेटर में ये बचा, नीचे बचा x माइनस 4 और इधर बचा 2x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब तो ये हमारी जानी पहचानी इनइक्वालिटी आ गई। देखो इधर ऑल द लीनियर फैक्टर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, गेटिंग इट? क्लियर हुआ बच्चों? तो अब मैं क्या करूँगा, तो मेरा RHS में जीरो आ गया। स्टेप टू क्या होता था हमारा, कि जो लीनियर फैक्टर्स होते थे दे आर ऑल इन दे शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सभी तीनों फैक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट इन तीनों ही फैक्टर्स में पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब क्या करें, रूट्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। जरा ध्यान देखना रूट, थोड़ा सा ये फैक्टर तुम्हें अलग लगेगा। इसके करस्पॉन्डिंग रूट है, रूट क्या बोलते थे, जब वो चीज जिस एक्स के लिए ये चीज जीरो हो रही है, जिस ये जीरो कब हो रही है, एक्स इजिकल टू फोर के लिए, तो फोर। फिर न्यूमरेटर में एक्स माइनस सिक्स जीरो कब होता है, एक्स इजिकल टू सिक्स पे, तो दिस इज सिक्स। अब ये देखो टू एक्स माइनस टेन जीरो कब होगा, एक्स इजिकल टू फाइव पे। तो इस लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग रूट इज फाइव। टेन मत लिख देना जल्दी जल्दी में, बिकॉज ये टू भी रोल प्ले कर रहा है। या तो तुम ऐसे कर लो, इसको इधर से टू कॉमन ले लो और टू को और टू से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। मैंने बोला अदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग इज, मैंने लिखा x माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर और इसको टू कॉमन लेके x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब मैं इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू से पॉजिटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन विल रिमेन द सेम। तो मैंने मल्टीप्लाई विद टू, तो क्या होगा, ये टू हट जाएगा और ये टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो यू विल गेट द सेम थिंग लाइक दिस वे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि x माइनस फाइव जो है इधर से, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है वो हमारा x इजिकल टू फाइव है, तो फाइव आई विल मार्क हियर, गेटिंग इट? जल्दी जल्दी में इसके करस्पॉन्डिंग रूट तुम 10 मत बोल देना, या फिर ऐसे कर लो, इसको जीरो करो, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो, तो 2x इजिकल टू 10 x इजिकल टू फाइव ऐसे बोल दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलो अब क्या करते थे हम, अब कहीं इवन एक्सपोनेंट है क्या, नहीं है, तो हम जो भी रूट्स हैं उसमें सबसे बड़ा रूट सिक्स है, उसके राइट मोस्ट पे पॉजिटिव साइन मार्क करेंगे, तो पॉजिटिव। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड आई विल ऑल्टर द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करूँ, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब पॉजिटिव या जीरो। तो ये चीज़ पॉजिटिव का है, दिख रहा है, एक तो ये रीजन में, एक ये रीजन में। तो पहले ग्रेटर देन के लिए लिख लेते हैं, फिर जीरो के करस्पॉन्डिंग वो पर्टिकुलर एक्स ऐड कर देंगे हम उसमें। तो एक तो इस रीजन में दैट इज फोर टू फाइव यूनियन
सिक्स टू इन्फिनिटी, ये किसका आंसर है? ग्रेटर देन का, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इक्वल टू के लिए क्या करें और ऐड कर देते हैं, क्या क्या ऐड करें, न्यूमरेटर कहाँ जीरो हो रहा है ये मत करना, डिनोमिनेटर जीरो जहाँ हो रहा है वो नहीं है, मैंने बोला था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो का होता है व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो, और न्यूमरेटर केस में जीरो कहाँ होगा, सिक्स पे, वैल्यूड कर्ली ब्रैकेट सिक्स, अब इस सिक्स को आई कैन क्लब हियर ऑल्सो, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा आंसर, तो सेम आंसर आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, 4.5 यूनियन 6 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, दिस इज द आंसर, बोथ वे वी कैन राइट डाउन, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से सब कुछ, चलो तो फिर अपन अब कंक्लूड करते हैं क्लास को, और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, एंड ट्राई टू पुट द क्वेश्चन, जो भी सॉल्यूशन देखते हो ना पर्सनली चेक करना, एक एक का पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऑलरेडी करेंटली आई एम मतलब तीन तीन चार चार बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 50 मतलब 50-60 बच्चों के मैसेज डेली आते हैं ऑलमोस्ट, 50 तो नहीं तो कम से कम 30-40, तो हर एक का चेक करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, एंड टाइम भी उतना नहीं मिल पाता है, तो इट्स बेटर मैं जो तुम्हें होमवर्क दूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, तो फ्रॉम दैट यू कैन वेरीफाई इट, हाँ अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन है कि सर इसमें मैं ऐसा सोच रहा था तो यू कैन आस्क मी एंड सेंड मी, बट मतलब एक एक टिक चेक करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो और बेटर है कि तुम जो ग्रुप बनाया उस पर सेंड करो, ठीक है ना, कुछ क्वेरीज होती हैं तो मैं कॉमनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, चलो अब मैं दे रहा हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, सारे करने हैं, ऐसा मैं सोचना इजी है टफ है कुछ भी है, सारे करने हैं, ठीक है ना, ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज सिंपली लेस देन जीरो, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए और कुछ मैं क्वेश्चंस और ऐड कर रहा हूँ, देख लिख लेना सारे, दो तीन क्वेश्चन अलग टाइप के और, तो दीज आर योर
10 होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। सो इनको अच्छे से, और अगर लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखो उसके बाद अटेम्प्ट करना। जब कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना, एक घंटा दोबारा रिमाइंड करके देखो, और जो मैंने पहले इलस्ट्रेशंस लिए उन्हीं का 2-3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसको करो। तो इसका सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, तो सभी कुछ क्लियर, मतलब आंसर अगर करेक्ट आएंगे तो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। डायरेक्टली मत जंप करना, पहले एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। जो मैंने अभी इलस्ट्रेशंस लिए ड्यूरिंग द लेक्चर, उनको पहले एक बार और करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है बच्चों। सो एंड अप करते हैं, ओके, थैंक यू।